लॉन्च किया और वो चीज़ के बाद इस फैक्ट्री में एक जगह मैंने स्पेसिफिक रखी थी कि यहाँ पे मिठाइयाँ मैं बहुत बनाऊँ, पर उस टाइम गोवर्धन ब्रांड सब जगह सक्सेस हो रहा था। वो ब्रांड हमने वेस्टर्नाइज करके, चीज़ है जितने भी डेयरी में वेस्टर्नाइज प्रोडक्ट है वो ब्रांड में आए हैं, और हमारे ब्रांड कंसल्टेंट ने थोड़ा बोला अरे इमीडिएट आप मिठाई वाले को, ये तो उसी दिन से मेरा ये था। और उनका एक उस टाइम का एक पीरियड था कि उनका एक सलाह लेना, उन्होंने राय देना और उसके ऊपर हमने कुछ टाइम तक आगे जाना, पर मन नहीं मान रहा था यार। रोज इतनी अच्छी मिठाइयाँ में गुप्ता जी को मालूम है, मिश्रा जी को तो अच्छी तरह से मालूम कि मिठाइयाँ कैसे लाते हैं, साहब कैसे खिलाते हैं और किस तरह से सब। और जब तक मैं मेरे मन से मिठाइयाँ ना बनाऊँ तब तक ये ना, 3 साल पहले फिर हमने सोलंकी साहब के साथ ट्राई किया, सोलंकी साहब ने बहुत मेहनत की, भावनगर मेरे जाके बराबर ना वो प्रयास किया, पर वो अपने लिए और कोई कर सकता है वो थोड़ा मिठाई के लिए लसोरन के साथ, अभी पता नहीं मुझे ये मिठाई की इसमें यस है कि नहीं, सक्सेस मिलता है कि नहीं अभी नजर, फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा उनको जो लगा इक्विपमेंट खरीदी थोड़ा थोड़ा, इसके हाथ में ना आए ऐसा खरीदी करते हैं, क्योंकि ये करते टाइम सब है, कमिटी मेंबर्स है, बाकी सब आप लोग हैं, आप लोगों को मिठाई सब खाने तक मजा आती थी, उसके आगे मेहनत करने का मिठाई यार किसी के लिए तो नहीं, इसलिए ये हर किसी के सोच होगी, पर मैं अकेला अपना चलता ही था। फिर सोलन के हिसाब से जाते जाते फिर आगे शशांक जी को इस उनका जो बायोडाटा है विस्तापुर है, बाकी नेस्ले ऐसे सब नाम देख के चितड़े उनका लास्ट जर्नी है उनके, वो सोच नहीं लगाई थी कि मैं इनको लूंगा और मिठाइयां खाऊं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैंने उसके लिए मैंने उनको चितड़े से लाए, वो भी सोच रही थी इनसे जब भी मिले तो इनका आइडेंटिफिकेशन ही कंपनी में वो है, और उनका सोच ये है एलपीडी के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और एलपीडी हमने गए 20 साल में देखे नहीं होंगे, मैं जो बात करूं उससे 2 एक्शन उठी आ गए फटाफट, उसका सोर्स क्या, इसका ये क्या, इसका आरएनडी क्या, इसके ऊपर क्या, पर बातें हम 2-3 महीने करते रहे, लेकिन बोला यार मिठाई भी तो मिठाई के लिए तो इतने एक्शन में खुद आके कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 महीने से ये मिठाई बना वो मिठाई बना, इसका चेन्नई से लेके गुजरात से लेके राजकोट से लेके दुनिया भर की मिठाइयाँ मैं उनको देता रहा, और जब तक खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक उन्होंने ये काम नहीं किया, और उनके साथ आज शशांक जी के साथ उनको जो चाहिए वो हेल्प करने वाली थी उन्होंने खड़ी की, हमारी तृप्ति है, पता नहीं लड़की है कि लड़का है, थोड़ा आगे पीछे रात को 12 बजे मंचर से आई तो दूसरे दिन 10 बजे मेरे पहले मुंबई ऑफिस में तैयार है हमारी क्यूसी वाली नजर और संपदा, तो संपदा ऐसा लगता है बिना मिठाई खाए भी इतनी खुश रहती है, पर हर टीम ऐसी नए टीम में अपने पुराने टीम के साथ बुला, और उसके बाद सेक्शन कोई देने को तैयार नहीं, गुप्ता जी ले चलो ये दे दो, और एक सेक्शन मिठाई का सेक्शन इनको दे दिया, और फिर इनको लगा कि कंपनी में इतना बड़ा बर्डन क्यों बढ़ा देगा, सर लाऊ में, सर लाऊ में, और ये मिस्टर हुकुमराम और ये कौन सा राम जोरा राम, ये दोनों जोधपुर से हैं, और याद करते हैं हम कि मिठाई खानी है तो जोधपुर की, जयपुर की, और ये राम कभी मिले तो नहीं, पर एक बार ऐसा मेरा उसका संबंध थोड़ा आया कि मैं शनि जी की एक पूजा थी
और शाम कल सुबह और शाम को पुणे से कोई आने वाला नहीं था। अरे हुकुमरान को बोला, अरे इनको बोला कि अरे पीड़ा जरा कल सुबह पीड़ा लगता है, वो लड्डू बनाएगा क्या वो? और मैंने मेरे सैंपल में था, किसी के लिए लाया था मैंने बेसन का लड्डू, तो वो बेसन का लड्डू उसने खाया और गया, मुझे बोला नहीं कि मैं बना सकता हूँ नहीं बना सकता। और मैं जब मुंबई पहुँचा तो सुबह तो वो सारी मिठाइयाँ हुई भगवान को चढ़ाई गई, और जो वो बेसन का लड्डू था ऐसा लगता था कि जिस दुकान से मैंने लाया उस हलवाई वाले को खिला दूँ, ये बेसन का लड्डू। मुझे पहले ऐसा लगता था कि इसको जमेगा कि नहीं जमेगा, ये पेड़ा वाला है चाहे काजू कतली वाला है। तो ये बेसन का लड्डू मैंने पूछा, बोलो कुमरा तुझे कुछ नहीं बोला मैंने, बोला खा बस और कुछ नहीं खा। और उसने खा के दूसरे दिन इसको बेसन लाने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो पूछी गई, रात को 9 बजे मैंने फोन किया आपने, अरे मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसको टेस्टिंग के लिए दिया था। पर इसको हुकुमराम को ऐसा लगा कि मुझे ये अभी हाँ ये मेरे तरफ इस तरह से ये डायरेक्शन है इस तरह से, और इन दोनों को संभालने के लिए हमारा बिना की ये वो कभी दही वाले से कभी चीजें मिक्स से कभी वो भी हलवाई राम हो गया, तो उसने एक ऐड कर दिया वो अपनी भुजिया। वो भुजिया के बाद लगा कि ये गोवर्धन घी पे सिर्फ हमारा फोटोग्राफ पर वो आ गया, पर वो एक नॉर्थ का भुजिया होता है ना, भुजिया नॉर्थ की पूरा मावा पूरे घर में